अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यासर कफूर है और आज मैं मौजूद हूँ बैरिया हिल्स के अंदर। आपको एक 500 स्क्वायर यार्ड का घर दिखाएंगे जो कि प्रॉपर वेस्ट ओपन, प्योर वेस्ट ओपन होने के साथ साथ सिंगल बेड का प्लॉट है और इसका साइज 500 स्क्वायर यार्ड है। व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत इसके अंदर बेसमेंट डिज़ाइन की गई, A+ कंस्ट्रक्शन है, अमेरिकन बिल्डर्स बिल्ड है ये। जिनके वीडियो को लाइक अभी से कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। व्यूअर्स, घर की खासियत के बारे में आपको बताऊँ तो सबसे पहले आप ये व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यूज़ आपको इस घर से मिलने वाले हैं क्योंकि वेस्ट ओपन है और साथ ही आपको ये ग्रैंड जामे मस्जिद का व्यू नज़र आएगा। और इसके साथ ये बिल्कुल मेन जना एवेन्यू के साथ लोकेटेड है, इसकी एंट्रेंस बिल्कुल मेन जना एवेन्यू से आपको मिलती है। तो इस बहुत कमाल की लोकेशन है, बहुत खूबसूरत घर है। वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें। इस घर की डिमांड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस विला की डिमांड जान सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि घर बहुत A+ कंस्ट्रक्ट किया गया और इनके जो बिल्डर्स हैं वो भी एक अमेरिकन बिल्डर्स हैं, तो उसके साथ साथ ये इसकी जो क्वालिटी है उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो अभी हम मौजूद हैं इसके गैरेज के अंदर। गैरेज के साइज़ की बात करें तो 500 स्क्वायर यार्ड्स के हवाले से एक अच्छा गैरेज, यहाँ पर आपको 3 SUV कार्स इजीली इस साइड पर पार्क कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको बड़ी स्पेस मिल रही है। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़ा साइज़ यहाँ पर आपको गैरेज के अंदर मिल रहा है। और इसका आपने फ्रंट फसाड़ तो अभी देखा होगा, यहाँ से आपको इसकी एंट्रेंस मिल जाएगी और ये टोटल इसका साइज़ है गैरेज का। अच्छा, सोलर पैनल इस घर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर आपको इसका जो है इन्वर्टर सिस्टम मिल जाता है और इसके अंदर तमाम सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल्ड है, मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। यहाँ से आप इसका साइड पैसेज देख सकते हैं जो कि पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ लीड करेगा, ये भी आपको अच्छा वाइट स्पेस के अंदर मिल रहा है। आगे हम चलते हैं, आपको मैं दूसरी साइड से इसका व्यू दिखाता हूँ। और इस प्लॉट की एक और खासियत ये है कि व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स इसके साथ मौजूद हैं। 1000 गज की कटिंग है, उसके साथ 2000 स्क्वायर यार्ड्स का यहाँ पर एक विला बन रहा है। ये इसकी टू साइडेड जो दूसरी गली है वहाँ से भी आप इसका स्पेस देख सकते हैं, आपको डिफरेंट एंट्रेंस मिल जाएगी, किचन की स्पेस मिल जाएगी, पीछे सर्वेंट क्वार्टर की स्पेस मिल जाएगी। तो अभी हम घर के अंदर चलते हैं और आपको मैं उसके बाद तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर का टूर करते हैं। अभी आपने गैरेज कम्प्लीट देख लिया है तो अभी हम आ चुके हैं इसके फ्रंट डोर के अंदर। फिर ये इसका मेन डोर है। जी व्यूअर्स, लॉबी के अंदर हम मौजूद हैं और इसके साथ हम बात करें तो इसके मेन डोर पर आप इसका लॉक सिस्टम देख सकते हैं, कार्ड सिस्टम लॉक है ये, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है यहाँ पर। और इसके साथ हम बात करें मैप डिज़ाइनर को समझाऊँ तो व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक ड्राइंग स्पेस के साथ साथ डाइनिंग स्पेस, आगे आपको TV लाउंज स्पेस, किचन स्पेस और 2 बेडरूम्स डिज़ाइन करके दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारा कुछ देखते हैं। यहाँ पर आप ड्राइंग स्पेस देख सकते हैं, ये अभी इसको ओपन रखा गया, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और इसके साथ आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं कि कितना रोशन यहाँ पर आपको लुक मिल रही होगी। 2 साइडेड विंडोज़ हैं और बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की विंडोज़ यहाँ पर लगाई गई हैं, अक्सर इस तरह का साइज़ यहाँ पर नहीं लगाया जाता, डबल ग्लेज्ड विंडोज़ हैं ये, तो आपको बाहर की नॉइज़ और जो सनलाइट है वो भी आपके यहाँ से अच्छी क्रॉस होगी। तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ड्राइंग स्पेस का व्यूज़ आपको यहाँ से भी दिखा दूँ मैं, तो यहाँ से आप विंडो से भी अपना ग्रैंड जामे मस्जिद का व्यू इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ लॉबी में ही आपको पाउडर स्पेस और इसकी जो फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट की एंट्रेंस है वो यहाँ से मिल जाती है। इसकी तरफ हम आते हैं बाद में, सबसे पहले हम इसका पाउडर रूम्स पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये इसकी पाउडर स्पेस है, पाउडर स्पेस के अंदर मैं आपको यहाँ पर मिरर की लाइट ऑन करके दिखा दूँ पहले, तो ये आप देख सकते हैं ये इसकी टोटल एक लुक है वैनिटी सेटअप की, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा मिरर इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर पोटा का वैनिटी सेटअप, पीछे आपको ग्रोही की सैनिटी सेटअप्स के अंदर कमोड सेटअप्स मिलेंगे, वो अलग कमोड है। तो ये आपने इसका पाउडर रूम देखा, अब आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर एक TV लाउंज स्पेस और डाइनिंग स्पेस डिज़ाइन करके दी गई है। TV लाउंज आप देखें व्यूअर्स, स्पेशियस है, उसके साथ ऊपर सीलिंग वर्क पर ज़्यादा काम नहीं किया गया, सिंपलिसिटी के साथ काम है यहाँ पर। ऊपर एक खूबसूरत सा राउंड शेप के अंदर सैंडलियर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और एक विंडो यहाँ पर भी है जो कि आपको ग्रैंड जामे मस्जिद का व्यू देगी। डबल ग्लेस विंडोज़ हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इसकी टोटल स्पेस है TV लाउंज के अंदर। उसके साथ ही आपको डाइनिंग स्पेस यहाँ पर डिज़ाइन करके दी गई है, यहाँ पर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसकी टोटल स्पेस है डाइनिंग की, अच्छी स्पेस है, यहाँ पर आपकी 8 सीटर डाइनिंग टेबल ईजिली आ सकती है और यहाँ से इसकी एक्सेस है जिनाए वीनों की तरफ। तो बहुत खूबसूरत लोकेशन है इस घर की और बहुत अच्छी अप्रोच है। तो अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस विला की डिमांड जान सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब आपने इसकी फर्स्ट लुक देखी इसके किचन की, तो किचन के बारे में बात कीजिए व्यूअर्स, कलर थीम बहुत खूबसूरत है, कैबिनेट्स टोटल इसकी डार्क लुक के अंदर दी गई हैं और जिसका काउंटर टॉप है वो आपको ब्राइट लुक के अंदर मिल रहा है।
फोटाइल की यहाँ पर आपको अप्लाइंसेज इंस्टॉल करके दी गई हैं। ऊपर आप एग्जॉस्ट हुड भी देख सकते हैं और साथ में आप इसका बर्नर भी देख सकते हैं। फोटाइल कंपनी का इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर इसका डिशवॉशिंग एरिया मौजूद है और स्पेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैबिनेट स्पेस आपको मिल रही है। इधर आपको बेकिंग ओवन और माइकिंग ओवन भी माइक्रोवेव ओवन भी मिल जाता है फोटाइल का ही। और यहाँ से एक स्पेस है कैबिनेट्स की और इधर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। और 500 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर मस्ट है एक ग्रीसी किचन, डर्टी किचन जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डर्टी किचन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रही है। तो ये आपने इसका डर्टी किचन देखा व्यूअर्स, उसके साथ ही हम आपके मेन किचन के अंदर मौजूद हैं। आगे चलते हैं तो दो बेडरूम्स इसके ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम बेडरूम नंबर 1 को एक्सप्लोर करते हैं व्यूअर्स। डोर क्वालिटी यहाँ पर सॉलिड है और साथ में जो डोर हैंडल्स यूज़ किए गए उनकी क्वालिटी भी आपको अच्छी सॉलिड मिल रही है। इसका फर्स्ट बेडरूम आ चुका है। स्पेस यहाँ पर 500 स्क्वायर यार्ड्स के वाले से बहुत अच्छी है, इंप्रेसिव है। यहाँ से आपको एक विंडो मिलेगी और जिना एवेन्यू का व्यू भी मिल जाएगा। यहाँ से आपको अटैच बाथ के मैं आप लोग करवाता हूँ। जी आपने इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखा वैनिटी सेटअप का, मैं आपको इसकी लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा आपको वैनिटी सेटअप डिसेंट लुक के अंदर मिल रहा है। ये यहाँ पर ग्रोही का वॉल हैंग कमोड है और आगे रेन शॉवर्स इंस्टॉल किए गए हर वॉशरूम के अंदर। और वार्डरोब भी इसकी वॉशरूम के अंदर ही मौजूद है और बहुत ज़्यादा स्पेस के अंदर यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से आप नीचे से देख सकते हैं, ऊपर तक आपको स्पेस मिलेगी वार्डरोब की। इसके साथ ही यहाँ से सेकंड बेडरूम अटैच होता है। इसका साइज भी सेम आपको मिल रहा है, वही साइज़ है ऑलमोस्ट। टाइल वर्क आप देखें व्यूअर्स, टाइल के बारे में आपको बताना भूल गया। यहाँ पर आप इसका टाइल वर्क जो है वो देख सकते हैं कि जो टाइल यहाँ पर यूज़ की गई है वो 3x6 की है। 3x6 की यहाँ पर इंकजेट इंपोर्टेड मेगा साइज टाइल है और वो आपको जो बाथरूम में स्पेनिश टाइल यूज़ की गई है और मॉडर्न लुक है बाथरूम्स की। ये इस वॉशरूम की आप लुक देखें। सबसे पहले टाइल वर्क आप देखें स्पेनिश टाइल है और यहाँ पर जो इसकी लुक है वो बहुत अच्छी लग रही होगी आपको वीडियो के अंदर ही। तो आप जब यहाँ पर इसको रियल टाइम में देखेंगे तो आपको और भी खूबसूरती यहाँ पर नज़र आने वाली है। मॉडर्न स्लीक लुक्स है सही वाली और यहाँ से आपको इसकी बॉर्डर सेटअप मिल जाएगा। जी व्यूअर्स, ये इसके ग्राउंड फ्लोर का टूर था और अब हम जाएंगे इसकी बेसमेंट के अंदर, जो कि प्रॉपर वाटरप्रूफ बेसमेंट यहाँ पर डिज़ाइन की गई है और अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ इसकी बेसमेंट के अंदर आपको लुक मिलने वाली है। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट की। जी व्यूअर्स, आगे इसकी बेसमेंट के अंदर स्टेयर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग्स मिलेंगी और साथ में वॉल के ऊपर यहाँ पर स्टेयर्स पर आप देख सकते हैं लाइट वर्क भी टोटल स्टेयर्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। एक डोर है जो कि यहाँ से इसको टोटल क्लोज करेगा और एंटर होते साथ आपको एक बहुत बड़ा सा ओपन हॉल मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक जिमनेजियम के टाइप डिज़ाइन किया गया और साथ में एक सिनेमा हॉल यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले मैं आपको जिम एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, टोटल सेपरेट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और इसके बाद जो आगे की स्पेस है वो टोटल जिम की है, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी लुक देखें, इसको सी थ्रू रखा गया, यहाँ पर ग्लास यूज़ किया गया। अभी आप मेरी आवाज़ को शायद देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। और इसके साथ ओपन हॉल यहाँ पर बहुत बड़ी स्पेस की, टोटल बेसमेंट है ये, आप इसका साइज़ देख सकते हैं। इसको आप अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं वरना इसको एज अ सिनेमा हॉल डिज़ाइन किया गया। तो ये इसका एक ओवरव्यू था बेसमेंट का। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर के आपको बेडरूम्स और टीवी लाउंज मैं व्यू करवाता हूँ। जी व्यूअर्स, मौजूद हैं आप फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर आते साथ मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहता हूँ। देखिए व्यूअर्स, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर एंटर हो रहे होंगे और आपको ये व्यूज़ नज़र आए तो क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत से व्यूज़। ग्रैंड जामा मस्जिद का टोटल व्यू यहाँ से आपको नज़र आएगा। आगे चलते हैं तो ये प्रॉपर डबल यूनिट घर भी है, आप इसको 2 फैमिलीज़ के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं आप।
जी व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टीवी लाउंज, ड्राइंग स्पेस, डाइनिंग स्पेस और साथ में आपको किचन स्पेस के साथ साथ एक 3 बेडरूम्स की स्पेस भी मिल जाती है। तो सबसे पहले मास्टर बेडरूम का व्यू करते हैं जो कि फ्रंट पर आपको नज़र आएगा। इसका फ्रंट का बेडरूम है व्यूअर्स, बहुत मास्टर बेडरूम साइज़ है। यहाँ पर डबल ग्लेज विंडोज़ मिल रही हैं आपको, 2-साइडेड। और इस बेडरूम से ही आपको स्पेस मिल जाएगी टेरेस पर जाने के लिए। स्मूथ विंडोज थी, देखिए अभी मैंने इसको खोला है तो मुझे पता चला है कि बाहर से नॉइज़ कितनी यहाँ से कैंसिल हो रही है इस डबल ग्लेज विंडोज़ की वजह से। बाहर का शोर बहुत कम आता है। और इसके साथ अटैच बाथ के अंदर चलते हैं। व्यूअर्स आगे हैं इसके अटैच बाथ में, तो ये एक वॉक आप देख सकते हैं, स्पेशियस है। डबल वैनिटी सेटअप्स मिल जाएंगे, वार्म लाइट्स हैं। ये देखें आप इसको अपनी मुताबिक जो आप लाइट सेट करना चाहते हैं, वार्म के अंदर रखना चाहते हैं तो वार्म के अंदर, एलईडी लुक लेना चाहते हैं तो एलईडी के अंदर। आगे चलते हैं तो वॉल हैंग कमोड ग्रोही का ही आपको शॉवर, रेन शॉवर इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर इसका वार्डरोब सेटअप। बस वॉशरूम के अंदर जो है ना बहुत खूबसूरत लुक्स हैं, मॉडर्न लुक्स हैं और अच्छी स्पेनिश टाइल्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं। टोटल घर के अंदर आप देख रहे होंगे, अगर आपने नोटिस किया तो 3x6 की ही टाइल्स यहाँ पर पूरे घर के अंदर लगाई गई हैं। यहाँ से इसका डाइनिंग स्पेस आ जाता है और इसको भी आप देख सकते हैं, पूरी वॉल के ऊपर एक बड़ी सी विंडो है ताकि आपकी जो रोशन लुक है, ब्राइट लुक है वो मिलती रहे आपको। और इसके साथ ही एक बड़ा सा ओपन स्पेस टीवी लाउंज, लिविंग एरिया, लुक्स वही सेम है। यहाँ पर भी सेम शैंडेलियर इंस्टॉल्ड है, डबल फैंस हैं एसके के। आपने इसका टीवी लाउंज स्पेस देखी, आगे चलते साथ ओपन किचन भी है। इसको भी आप क्लोज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, वरना इसको ओपन रखा गया। इसकी भी सेम थीम है, यहाँ पर अप्लाइंसेस इंस्टॉल नहीं की गई, ग्राउंड फ्लोर पर आपको अप्लाइंसेस मिल रही थी। तो ये स्पेस है, यहाँ पर बर्नर और एग्जॉस्ट हुड आ जाएगा, डिश वॉशर भी मौजूद है और एक स्पेशियस लुक भी आप देख सकते हैं। बैक साइड पर 2 बेडरूम्स हैं, फ्रंट का बेडरूम मैंने आपको दिखा चुका हूँ। बेडरूम्स को बाद में एक्सप्लोर करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी छत पर और आपको एक टेरेस की स्पेस भी यहाँ से मैं दिखाता हूँ। एक और व्यूअर्स एडवांटेज है, यहाँ पर भी आप बैठकर फ्रेश एयर इंजॉय कर सकते हैं और अपने छत पर जाने का रास्ता यहाँ से आपको मिल जाता है। तो छत पर चलते हैं। जी व्यूअर्स, आ गया हूँ इसकी छत पर और मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से आपको जो नज़ारे मिलने वाले हैं वो बहुत खूबसूरत होंगे। आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ से आप अभी इसको आइडिया कर सकते हैं कि बहुत खूबसूरत व्यूज़ ग्रैंड जामे मस्जिद के इस घर से आपको मिलने वाले हैं। छत पर आया हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि 15 kV सोलर सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और बाय स्काई इलेक्ट्रिक कंपनी। इसके अंदर आपको 7 ईयर्स इन्वर्टर वारंटी भी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी छत का लुक भी देख सकते हैं। तो वापस चलते हैं, जो बेडरूम्स रह गए हैं वो मैं आपको दिखाकर वीडियो को एंड करते हैं। जी व्यूअर्स, छत से वापस आ गए हैं और मौजूद हैं इसकी बालकनी एरिया के अंदर जहाँ से हम इसकी छत पर एंटर हुए थे और हम वापस इधर से एग्जिट होकर इसके टीवी लाउंज में आ चुके हैं। बाकी के 2 बेडरूम्स रह गए हैं वो हम दिखाते हैं और आपको वीडियो को वाइंड अप करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी खूबसूरत वीडियोस विलास की और मिलती रहे। इसका 4th बेडरूम है व्यूअर्स, इसके 4th बेडरूम के साथ भी आपको पीछे एक डबल विंडो, डबल ग्लेज विंडो मिल जाएगी और इसका अटैच बाथ। इस टाइल का व्यू देखें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेनिश टाइल्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं और जो सैनिटीज़ है मॉडर्न ग्रोही की और पोर्टा की, यहाँ पर वैनिटी सेटअप्स इंस्टॉल्ड है। इसका शॉवर लुक है, यहाँ पर इसका वैनिटी सेटअप पोर्टा का, ग्रोही का वॉल हैंग कमोड इंस्टॉल्ड है और वही सेम लुक के अंदर वार्डरोब्स यहाँ पर मौजूद हैं। रिवर्स लास्ट लुक है इसके लास्ट बेडरूम की, टाइल वर्क भी आप देखें वही सेम टाइल वर्क है 3x6 का। इस बेडरूम से भी व्यू मिल जाएगा आपको ग्रैंड जामे मस्जिद का।
सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर मिरर यूज़ किए गए, उस पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके बॉर्डर्स रेडी किए गए, सिंपल ग्लास नहीं यहाँ पर यूज़ किया गया। नैनो कैरेमिक्स का आपको पोर्टा का यहाँ पर वैनिटी सेटअप मिल रहा है लार्ज साइज़ के अंदर, वॉल हैंग कमोड, और ऊपर से आपको स्काईलाइट भी यहाँ से मिल जाएगी, स्काईलाइट भी आएगी इस वॉशरूम के अंदर। तो बस अगर आप ऐसी कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके प्रॉपर्टी एक्सचेंज के पैनल से कंस्ट्रक्शन के हवाले से डिटेल्स जान सकते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप इस घर को बाय करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस विला के हवाले से डिटेल्स जान सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सचेंज पेरियड कराची के प्लेटफॉर्म से यासर कफूर, अल्लाह हाफिज़।